सुनो जी, पहले मेरा फिगर पेप्सी की बोतल की तरह था। अरे वो तो अभी भी है। सच में? हाँ, पहले 300 ml की थी, अब 2 लीटर की है। मुझे नहीं लगता मैं ठीक हो पाऊंगी। अरे ऐसा क्यों सोचते हो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। मुझे पता है मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी कर लोगे। अरे नहीं करूंगा। और मेरी सारी पोशाक के सारे सूट उसको दे दोगे। अरे नहीं दूंगा। कैसी बातें कर रहे हो यार तुम, वो तो सूट पहनती नहीं है, वो तो इतनी इतनी स्कर्ट पहनती है। ऐसा कौन सा जानवर है जो पहले इंसान को अपनी जाल में फंसाता है और फिर तोड़ता तोड़ता कर मारता है? अरे मुझे क्या देख रहे हो, बताओ ना। यार एक बात बताएं। हाँ बताओ ना, पर किसी को बताना मत। अरे यार नहीं बताएंगे, डैडी कसम खा नहीं बताएंगे। अरे डैडी कसम खाते हैं नहीं बताएंगे। हाँ तो ठीक है, बताना मत, प्राइवेट है। ठीक है, कान इधर लाओ, 1 तारीख को नया साल है। यार तुमने अभी तो कुछ खाने के लिए नहीं बनाया। आपको बड़ी जल्दी है बर्तन धोने की। कल शाम मैं बोर हो रहा था, फिर मैंने अपनी पत्नी को बंदरिया बोल दिया। 3 घंटे कैसे गए पता ही नहीं चला। और भाई साहब कम से कम 200 नए जानवरों के नाम पता लग गए मुझको। आप भी ट्राई करो। सुनो जी, अब फेरोगे टाइम पंडित के कान में क्या पूछ लेते। अरे कुछ ना, मैं पंडित पनुबू जो था, अगी सन अपने दाएं बिठाऊं अक बाएं बिठाऊं। फिर क्या बोला? फिर क्या बोला था, नुबला चा दाएं बिठा ले चा बाएं बिठा ले, बैठेगी तेरे सर पे। शादी के समय 7 फेरे लेते हुए आपने मेरे से वादा किया था कि आप मेरी इज्जत करोगे, मेरी हर एक बात मानोगे, मेरा साथ दोगे। तो क्या इतने लोगों के सामने तुमसे बहस करती? साला खाते हैं तो पछता नहीं और कमाते हैं तो बचता नहीं। ऐसा लगता है जैसे बटुए में नाथूराम गोडसे बैठा है। साला गांधी जी को रहने ही नहीं देता। शांति उसी घर में रहती है जहां पति पत्नी दोनों मोबाइल चलाते हैं।